Welcome to Anushree's Kitchen. The first process is marination of chicken pieces. So उसके लिए मैंने चिकन में थोड़े कट्स लगा लिए हैं एंड देन जो फर्स्ट इन्ग्रीडियंट मैंने ऐड किया है दैट इज़ पेस्ट ऑफ धनिया एंड पुदीना. देन आई एडेड कर्ड एंड देन लास्टली आई एम गोइंग टू ऐड जिंजर गार्लिक एंड अनियन पेस्ट. हम स्लिट्स इसलिए लगाते हैं ताकि जो मैरिनेशन है वो चिकन पीसेस के अंदर तक चला जाए. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ऐड सॉल्ट. अब लास्टली मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है चिकन पीसेस के साथ एंड यहाँ पे मैंने अराउंड 500 ग्राम्स ऑफ चिकन यूज़ किया है. सो उसके अकॉर्डिंग ही हमको सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं एंड मैंने उसकी क्वांटिटी पहले ही स्क्रीन पे आई गेस ऐड कर दिया है. सो आई होप आपने वो देख लिया होगा. हियर कम्स द नेक्स्ट स्टेप. सो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और जब वो पैन गर्म हो जाएगा हम उसमें ऑयल ऐड कर लेंगे. यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है. आप चाहे तो किसी और ऑयल के साथ भी इसको कर सकते हैं कुक. देयर इज़ नो इशू इन दैट. अब जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं ऐड करूँगी ऑल दी होल स्पाइसेस, ऑल दी गरम मसाला स्पाइसेस. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू ऐड रेड चिली एंड देन मैं उसके बाद ऐड कर दूँगी अदर स्पाइसेस लेफ्ट लाइक कार्डमम, सिनेमन, क्लोव्स, ब्लैक पेपर. बस जब ये ज़्यादा तड़कने भड़कने लगे और आप उसके सामने खड़े ना हो पाए तो बस समझ जाइए कि अब आपको इसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं. मैंने यहाँ पे अनियन लिया है, स्लाइस्ड अनियन को मैं फ्राई कर लूँगी और इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है वरना ये ब्राउनिश हो जाएगा एंड अफगानी चिकन का कलर चेंज हो जाएगा. नाउ इट्स टाइम टू ऐड ऑल दी मैरिनेटेड चिकन पीसेस. और मैंने चिकन पीसेस को मैरिनेट किया था अराउंड 2 to 3 hours. आप चाहे तो अराउंड हाफ एन आवर तक भी मैक्सिमम कर सकते हैं बट आई प्रिफर कि मैं थोड़ी ज़्यादा देर तक मैरिनेट करूं. एंड उसके बाद मैंने सारे चिकन पीसेस को एक एक करके ऐड कर दिया है एंड एक साइड हम पहले पूरा अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे. नेक्स्ट उसके बाद हम उसको दूसरे साइड से फ्राई करेंगे. जब एक साइड से चिकन के पीसेस फ्राई हो जाएँ तो दूसरे साइड टर्न कर दिया है मैंने इसको. और अब मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें पुदीना एंड धनिए का पेस्ट बिकॉज उस टाइम हमने अराउंड 2 tablespoons डाला था और अभी अराउंड 2 tablespoons डाल रही हूँ मैं. आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी एंड योर टेस्ट. और अब इसको ऐड करने के बाद भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली एकदम सही से. यस आप टेक्सचर देख रहे हैं अभी से कितना ये यम्मी लग रहा है एंड आई जस्ट कांट वेट टू ट्राई दिस आउट. अब इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी मैं. और गाइस जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि सॉल्ट हमने पहले भी ऐड किया हुआ है मैरिनेशन के टाइम पे. सो अभी थोड़ा कम ही ऐड कीजिए क्योंकि अगर कम भी होता है तो लेटर यू कैन ऐड दैट बट अगर ज़्यादा हो जाता है तो इट विल बी अ प्रॉब्लम. एंड बस उसके बाद मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी और वाटर भी आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैं इसको थोड़ा ड्राई खाना ही प्रेफर करती हूँ एंड जनरली थोड़ा ड्राई ही खाया जाता है तो इसमें आप वाटर थोड़ा कम ही डालिए. नाउ पुट द लिड एंड वेट फॉर इट टू गेट कुक्ड. सो गाइस फाइनली दिस रमजान स्पेशल चिकन अफगानी इज रेडी एंड इट्स लुकिंग सो यम्मी. सो मैंने इसको सर्व किया है विद सम ग्रीन चिलीज एंड ट्रस्ट मी मैंने इसको हमेशा जब भी बनाया पहले मुझे ये हर बार ही बहुत टेस्टी लगा है. सो आई होप कि आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में. आप इस डिश को किसी भी रोटी, नान या पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो इसको एज अ स्टार्टर भी खा सकते हैं. सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है गाइस देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप. आई रियली नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड जस्ट सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट. मैं इन फ्यूचर भी आप लोग के लिए और भी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ लाती रहूँगी ऐसे ही एंड इट्स अ प्रॉमिस कि नेक्स्ट डिश एक वेज रेसिपी ही होगा. सो ज़रूर बताइए कि आपका रमज़ान कैसा जा रहा है एंड मिलते हैं नए वीडियो में. बाय बाय.